हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये आज का हमारा ब्लॉग है मोटो ब्लॉग थर्ड। तो हम आज जा रहे हैं नेहरू प्लेस से नोएडा की तरफ। जो है नाइट का टाइम जो 7 o'clock से 8 o'clock है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत लिटिल बिट ट्रैफिक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 300। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 400, वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आज के आज ही 400 कंप्लीट करा दीजिए, जो 8 सब्सक्राइबर दूर हैं। तो दोस्तों जा रहे हैं हम आज नोएडा की तरफ और ये फर्स्ट वीडियो शूट है जो मैं नाइट में कर रहा हूँ विद माय मोबाइल फ़ोन जो मेरे पास है 1+6। तो चलिए देखते हैं वीडियो कैसी बनती है। आपका सब साथ रहेगा तो बहुत अच्छी वीडियो बनेगी। ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं दोस्तों मंदिर है, ये भैरव मंदिर है जो नेहरू प्लेस का एक बहुत फेमस मंदिर है। आप जब भी यहाँ पर आएँगे तो आपको ये रास्ते में ही मिलता है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है एंड फेमस भी है। आप गूगल पे सर्च करके देखिए नेहरू प्लेस भैरव मंदिर। तो हम जा रहे हैं। तो ये आगे आप देख सकते हैं बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा ब्लू प्लेट में कि लेफ्ट हैंड साइड अगर जाते हैं यहाँ से तो लोटस टेंपल है जो यहाँ से 50 मीटर दूर होगा। और हमें जाना है नोएडा, तो हम सीधा जा रहे हैं जो फरीदाबाद वाले रोड पे से हम नोएडा जाएंगे विद अपोलो हॉस्पिटल सरिता विहार से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों हमारा सफ़र। तो ये हम लेफ्ट राइट मुड़ चुके हैं, लेफ्ट लोटस टेम्पल, तो हमें नोएडा जाना है तो राइट मुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक रेड लाइट आएगी दोस्तों, जो है अगर आपको यहाँ से नोएडा जाना है तो दो रास्ते हैं आपके पास। एक आप ओखला की तरफ से जा सकते हैं नोएडा, एक आप स्ट्रेट जा सकते हैं, वहाँ से भी नोएडा जा सकते हैं जो है आश्रम वाला रोड। आप देख सकते होंगे ऊपर सीधा जाएंगे तो आप फरीदाबाद आश्रम वाला रोड से नोएडा जा सकते हैं और एक लेफ्ट राइट हैंड साइड से। तो ये है हमारी रेड लाइट जो अभी आपको दिख रही है, रेड लाइट हो रखी है। सो जस्ट वेट एंड ग्रीन होते ही हम चलते हैं आगे दोस्तों। बहुत काफ़ी टाइम के बाद आया मैं नेहरू प्लेस, क्योंकि मेरा मैकबुक में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, ऑन एंड ऑफ नहीं हो रहा। तो इसी के बारे में मैं आया था नेहरू प्लेस, जो मैंने अपना लैपटॉप दिया है आपको लास्ट ब्लॉग में ही मैंने दिखाया था कि मैंने दिया था, बट फिर वो फिर नहीं चला तो फिर मैं अगेन में आया था आज देने के लिए। सो होपफुली नेक्स्ट टाइम मेरा मैकबुक चल जाए दोस्तों। आगे जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये है NSIC मेट्रो स्टेशन, जो अभी मेजेंटा लाइन बनी है नई मेट्रो स्टेशन दिल्ली की, नोएडा टू दिल्ली। तो वो वाले मेट्रो स्टेशन है, न्यूली बना है दोस्तों। और हमें जाना है राइट। अगर आप लेफ्ट यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से आप लाजपत नगर जा सकते हैं। अगर आप इधर आते हैं तो ज़रूर लाजपत नगर जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी मार्केट है, बट अभी थोड़ी बहुत खुली होगी क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से सारी दुकानें नहीं खुल पा रही हैं दोस्तों। तो हम चलते हैं, हमें राइट जाना है क्योंकि हमें आश्रम वाले रोड से हमें नोएडा की तरफ जाना है। तो आप देख सकते हैं सीधा जाएंगे तो जामिया चले जाएंगे कॉलेज एंड सीधा फरीदाबाद एंड आश्रम। चलते रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सफ़र कैसा है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। अगर जो भी सजेशन होते हैं दोस्तों, हम इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी बताइए दोस्तों, क्योंकि अभी हम न्यू हैं। तो अगर आपका फीडबैक आएगा तो हम ज़रूर इम्प्रूव करेंगे दोस्तों। अगर आपका साथ मिलेगा दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हैं एंड हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप फीडबैक देते हैं। अच्छा हो या बुरा, फीडबैक होता है, उससे सीखने को मिलता है दोस्तों। हमें तो यही पता चल रहा है कि हम कैसी वीडियो बना, आप लोग देख रहे हैं।
तो ज़रूर दोस्तों मेरे को फीडबैक दीजिए। तो ये हम जा रहे हैं, यहाँ से हमने यू टर्न लेके नीचे आ गए। तो अगर आपको वापस जाना है नेहरू प्लेस, तो आप इस वाले यू टर्न से लेफ़्ट लेके वापस जा सकते हो। हमें सीधा जाना है कालंदी कुंज, जो सरिता विहार की तरफ से आएगा। तो चलिए, इस रोड से दोस्तों आप सीधा अगर जाएंगे तो आप फरीदाबाद जा सकते हैं। एंड और अगर सीधा जाना चाहते हैं तो फिर यहाँ से आप आगरा भी जा सकते हैं इस रोड से। ये मथुरा रोड है, आप फेमस है ये मथुरा रोड। किसी से ही पूछेंगे आगरा जाना है तो ये वाला रोड पहले आगरा जाने के लिए प्रेफर करते थे लोग, क्योंकि यही एक रास्ता था। बट अब जो सेकंड एक्सप्रेसवे बन गया नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं उस साइड से आगरा जाना। तो ये भी है, तो आप देख सकेंगे कि आगे बैनर्स जो लगे रहते हैं ब्लू कलर के होर्डिंग्स रोड पे, तो उसमें लिखा होगा सीधा जाएंगे तो आप आगरा जा सकते हैं, फरीदाबाद जा सकते हैं। तो हम चल रहे हैं, हमारा सफ़र अच्छा अब तक बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं बोर्ड में सीधा आगरा, सीधा फरीदाबाद एंड अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल से हम लेफ्ट लेंगे, जो कि कालंदी कुंज की तरफ जाएगा। वहां से हम फिर नोएडा। देख सकते हैं दोस्तों, दिल्ली में थोड़ा नॉर्मल हो चुका है सारी चीज़ें, कि सारी गाड़ियां चल रही हैं, रेड लाइट पे आप देख सकते हो लॉट ऑफ ट्रैफिक। अभी कितना ट्रैफिक था पीछे उसमें नेहरू प्लेस पे, भैरव मंदिर के पास। तो देख सकते हैं अब सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं, हो जाएंगी धीरे धीरे नॉर्मल, क्योंकि अब कितने दिन लोग घर पर रह सकते हैं। थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके अब लोगों को निकलना पड़ेगा काम के लिए, जॉब के लिए, जो जॉब जाता है, जिसकी अपना बिजनेस है, शॉप्स हैं, तो धीरे धीरे काम। तो ये है अपोलो हॉस्पिटल का रेड लाइट दोस्तों। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हॉस्पिटल है एंड राइट हैंड साइड में है सरिता अपोलो हॉस्पिटल, इसके बाद सरिता विहार मेट्रो स्टेशन आता है। तो हमें अभी जाना है सीधे जो फ्लाईओवर आएगा उसके, वहाँ से हमें फ्लाईओवर पे नहीं जाना, हमें यहाँ से लेफ्ट जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, अगर लेफ्ट जाएंगे तो नोएडा, सीधा जाएंगे तो फरीदाबाद। तो चलिए दोस्तों, हम चल रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पेट्रोल पंप है, अगर आप यहाँ पे कभी आते हैं तो इस वीडियो को देख के यहाँ पे पेट्रोल पंप है दोस्तों, पेट्रोल भी भरा सकते हैं। तो चलिए चल रहे हैं हम। तो ये हम जा रहे हैं, अब जो आएगा नेक्स्ट दोस्तों जसोला आएगा, जो कि आपने सुना होगा। यहाँ से देख सकते हैं नोएडा जा सकते हैं, गाजियाबाद अगर नोएडा के तरफ से जा सकते हैं। तो ये है, यहाँ पर भी एक पेट्रोल पंप है राइट लेफ्ट हैंड साइड में इंडियन ऑयल, राइट हैंड साइड में भी है अगर आप उस साइड रोड के उस साइड जाएंगे तो। तो अभी हम चल रहे हैं, तो आगे दोस्तों हमें मिलेगा जो आपने सुना होगा अभी 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले, बिफोर कोरोना वायरस, तो फैब में, जैन में, पूरा दिसंबर से फैब मार्च अप्रैल तक प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे। तो जो आपने सुना होगा टीवी में, न्यूज़ में, हर जगह सुना होगा, इंटरनेट पे साइन बाग का नाम सुना होगा दोस्तों, जो अभी आने वाला है साइन बाग, जहाँ पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जो हमारा एक नया लॉ आया था उसके अगेंस्ट। तो मैं वो जगह आपको दिखाऊंगा, आने वाला है, वहाँ पे मैंने बाइक भी रोक के देखते हैं, देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है और ट्रैफिक में रोकना, क्योंकि हमें लेट भी हो गए हैं, 8 बज गए हैं, तो हमें घर भी जाना है।
फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, जस्ट आने ही वाला है वो लोकेशन। ये जो मार्केट है ये सारी प्रॉपर पूरी तरीके से बंद थी उस टाइम, दोस्तों कितना नुकसान हुआ देखो, हम रुक के दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। देखो यही वो मार्केट है और यही जो रोड है, दोनों ये ब्लॉक थी दोनों रोड, क्योंकि लोगों ने यहीं पे प्रोटेस्ट किया था। हम चल रहे हैं, ज़्यादा रुकने का यहाँ पे फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत ट्रैफिक है और हमें जल्दी भी जाना है। तो ये जो हम चल रहे हैं इसी रोड पे दोस्तों, यहीं पर प्रोटेस्ट हुआ था, तो देख सकते हैं यहाँ की अब मार्केट नॉर्मल हो गई है शायद आफ्टर ड्यूरिंग द कोरोना वायरस ही ये चीज़ें मतलब हटा दी गई थी यहाँ से, तो अब नॉर्मल हो चुका है। आप आगे देख सकते हैं, अगर सीधा जाएंगे राइट तो ग्रेटर नोएडा, जो नोएडा हम पहुंच जाएंगे तो फिर ग्रेटर नोएडा भी जा सकते हैं एक्सप्रेसवे से। तो यहाँ के बारे में आप देख लेंगे, मैं आप यहाँ पर फ़ोटो भी मैंने लगाया हुआ है, पीछे किया हुआ है स्क्रीन पे, तो देख सकते हैं यही प्रोटेस्ट हुआ था। तो अब हमें आगे से राइट लेना है, जो आएगा कालंदी कुंज मेट्रो स्टेशन, अब वहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है। सो हम नोएडा की तरफ चले जाएंगे जमुना जी पार करके। चलते रहिए, देखते रहिए। तो यहाँ से हम लेते हैं राइट, जो कालंदी कुंज की तरफ जा रहा है, जस्ट 500 मीटर है, देख सकते हैं आगे मेट्रो स्टेशन आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर मेट्रो डिपो भी है राइट हैंड साइड में, उस साइड रोड क्रॉस करके देखेंगे तो। यहाँ से अब हम लेंगे लेफ्ट, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है दोस्तों, देख सकते हैं। और ये यमुना ब्रिज है, अभी आएगा उस साइड ब्रिज, ये भी एक छोटा सा ब्रिज है। एंड जब हम लेफ्ट लेंगे तो फिर 500 या 1 किलोमीटर के का पुल है यमुना ब्रिज, आपने देखा होगा जो अगर आप इधर आए हो तो। तो क्योंकि रात का टाइम है तो मैं अभी दिखा भी नहीं सकता क्योंकि बाइक पे हूँ, आप साथ में हमारे चलते चलते देख सकते हैं, साइड में आपको ब्रिज का प्रोटेक्टेड एरिया दिख जाएगा। तो यहाँ से ले रहे हैं हम लेफ्ट, तो हम नोएडा में जल्दी जल्द से जल्द पहुँचने वाले हैं, जस्ट 2 मिनट्स एंड सी द नोएडा। तो एक चीज़ नोटिस की होगी दोस्तों आपने कि दिल्ली का ट्रैफिक और दिल्ली के रोड्स कैसे हैं, तो ये है एक, हम दोबारा बता देते हैं आपको, ये है यमुना ब्रिज जो यहाँ से जमुना जा रही है। तो आगे जो बिल्डिंग दिख रही है आपको वो सुपर टेक है, जो लार्जेस्ट इंडिया की लार्जेस्ट बिल्डिंग में आती है वो, वहाँ पे 50 फ्लोर्स या 100 फ्लोर्स हैं, तो देख सकते हैं। हम नोएडा में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं हाई बिल्डिंग्स, उनका भी एक वीडियो लाने वाले हैं। नोएडा एक लाइक छोटा जापान बन गया है दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यूएस में जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, और क्लीन नोएडा होता है एकदम क्लीन एंड ग्रीन। तो इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे आगे, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ डिस्कस कर रहा था कि आपने एक नोटिस किया होगा कि दिल्ली और नोएडा में क्या डिफरेंस है, तो आपने वीडियो में देखा ही होगा कि वहाँ की रोड कैसी है, कितनी क्लीन है, कितना मतलब साफ है, कितना ट्रैफिक है। और आप नोएडा में देखिएगा दोस्तों, बस जस्ट नोएडा स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, तो ये बस यहाँ से ही स्टार्ट होता है मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे राइट हैंड साइड में ओखला बर्ड सेंचुरी, ये है नोएडा। आ चुके हैं हम नोएडा, यहाँ पे एक बर्ड है, बर्ड सेंचुरी करके पार्क है लेफ्ट हैंड में, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों फ़र्क देखिए, जस्ट हम नोएडा आ चुके हैं, ये देखिए फ़र्क देखिए दोस्तों।
ये है नोएडा, वो था दिल्ली। सी द नोएडा रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत ही अच्छा है दोस्तों। जो यहाँ की सरकार है इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। आप देखिए दोस्तों यहाँ की रोड्स एंड वहाँ की रोड्स कैसी थी। और यहाँ जितना क्लीन होता है ना, मेरे को नहीं लगता दिल्ली में इतना क्लीन है। दिल्ली गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे काम कर रही है, जैसे कि एजुकेशन पे हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्रीज़ कर रही है। बट दिल्ली एक बहुत पॉपुलेटेड एरिया है और जो पहले से है, सो इसीलिए थोड़ा सा है क्राउडेड। तो ये है दिल्ली की, नहीं नोएडा की रोड्स देख सकते। ये है महामाया फ्लाईओवर जो हमने उस साइड से अभी हम आए थे, अब फिर हम यू टर्न लेके इस साइड से आ गए हैं। सो आपको दिख रहा होगा ये मेट्रो स्टेशन, ये है यहाँ पे ओखला बर्ड सेंचुरी। साइड में ही है सुपर टेक जो बिल्डिंग बन रही है राइट हैंड साइड में हमारे। सो अभी हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी, बस नोएडा पहुँच चुके हैं, हमारा घर भी आने वाला है। तो दोस्तों हमारा ब्लॉग भी एंड होने वाला है। ये आपने देखा ही होगा हमारे लास्ट ब्लॉग में, वर्ल्ड लार्जेस्ट चरखा है ये। तो बस, तो दोस्तों हमारा ये सफ़र सक्सेसफुल कंप्लीट हुआ। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों, एंड कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और क्या हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जल्दी हमारा नेक्स्ट ब्लॉग भी आएगा। तो बाय बाय, सी यू अगेन। अपना ख्याल रखिए एंड अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए दोस्तों इस कोरोना वायरस की सिचुएशन पे। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।